आपका दोस्ती, आपका दोस्त जो दोस्त करो कुत्ते को बस है वो जो कुत्ते को बस हमको आपको कुत्ते का बस चाहिए। ये सारा पैकेजेस है शिपिंग करने के लिए, सब कुछ रेडी है, अभी बस इस बैग में डालना है मुझे। गाइज वेलकम टू माई चैनल पू व्लॉग्स। सो गाइज पिकल मी में इतना सारा ऑर्डर आ रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है अकेले काम करके, बट आई एम एंजॉयिंग इट। तो मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी जरूर। आज जो मैं शिप करने जा रही हूँ वो सबसे मेरा बिगेस्ट ऑर्डर है, आई थिंक 100 पैकेट्स ऑफ अचार का ऑर्डर है, 100 पैकेट्स। इतना सारा ऑर्डर फर्स्ट टाइम तो थोड़ा कम ही आया था, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा आया ना, मैंने कुछ एडवर्टाइज नहीं किया, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट भी मैं इतना नहीं डालती, क्योंकि जैसे मैं पोस्ट डालती हूँ फिर इंक्वायरी आ जाता है, विच इज़ ग्रेट। कल तो हम पागल ही हो गया था, मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम, उसके बाद जाकर ये सब रेडी हुआ। वो पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट मैंने यूज़ किया था, बट वो इतना अच्छा नहीं है गाइस, इसीलिए मैं स्विच करने वाली हूँ जल्दी, नया पिकल निकालने वाली हूँ। उसका नाम है नामसिंग पिकल मिक्स, फर्मेंटेड सोयाबीन है, अखुनी बोल के बहुत फेमस है, बट हमारे यहाँ अखुनी नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं नामसिंग, नामसिंग पेरन, ठीक है। ओके गाइस, सो और वो ऑलरेडी सॉल्टेड है, प्योर वीगन है, उसमें कुछ एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, लेकिन इसका स्मेल बहुत ही स्ट्रांग है गाइस। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बैम्बू शूट नहीं खा सकते और आप कुछ पंजेंट स्मेल पसंद नहीं है तो ऑर्डर मत करिए, क्योंकि यू विल रिग्रेट इट। बट जो हम लोग पसंद करते हैं नामसिंग पेरन, वाओ, आकुनी जो पसंद करते हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत भूख भी लग गया है तो लंच का भी प्रिपेयर कर लेती हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ सब्जी वब्जी है नहीं, तो लेट्स सी क्या बनाते हैं। तीन बैग में आ गया, एक दो, यहाँ पे तो नहीं भरा। मैं अपने लंच के लिए सामान ये सब प्रेप किया है, तो यहाँ पे मैं एक जैसे कोरियन का होता है बिबिम्बाप, बिबिम्बाप मतलब मिक्स्ड राइस होते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या हर्ब्स डालते हैं, क्या क्या सलाद वलाद डालते हैं ना गाइस, तो हम भी एक अपना ही वर्जन बनाने वाला है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं इसका जो टॉप वाला पार्ट है वही यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये खाने में थोड़ा स्वीट होगा। आप कैबेज यूज कर सकते हैं, लेटस यूज कर सकते हैं। तो गाइस मिक्स्ड राइस बनाने के लिए मैंने जितना वेजीज लिया है उसको छोटा छोटा करके चॉप कर देती हूँ, क्योंकि खाने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा जितना छोटा और बारीक पीसेस होगा। तो ये है मेरा फर्मेंटेड सोयाबीन का पिकल, और ये क्योंकि अभी घर के लिए है तो इतना ऑयल नहीं डाला है गाइस, बट प्रिजर्वेशन के लिए ऑयल डालना पड़ता है। किचन में बंदर आया, ले ला, वो खा रहा है। गाइस बंदर लोग बिस्किट खा के चले गए, और अब मैं बनाने वाली हूँ जो फर्मेंटेड सोयाबीन है नामसिंग उसका एक चटनी। ऑल यू हैव टू डू इज बर्न सम टोमेटोस एंड चिलीज, अगर आप चाहते हैं तो गार्लिक को भी जला सकते हैं, और इसमें हम लोग मिक्स करने वाले हैं जो मेरा स्पेशल नामसिंग का पेस्ट, जो भी पिकल है जो मैं बनाने वाली हूँ, और उसको आप इसमें ऐड करिए, इतना टेस्टी होता है ना, ट्रस्ट मी गाइस, आई विल चेंज माई नेम फॉर श्योर अगर ये आपको टेस्टी नहीं लगा तो। बट ये अभी अवेलेबल नहीं है गाइस, आप नेक्स्ट वीक के लिए इसको प्री ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एक वार्निंग है कि अगर कोई फर्मेंटेड वाला थोड़ा पंजेंट स्मेलिंग वाला नहीं खा सकता तो इसको प्लीज ऑर्डर मत कीजिएगा। ओ माय गॉड गाइस, देखो रिव्यू आ रहा है, अच्छे कंडीशन में आया है बोला है, और स्पिल नहीं हुआ है, लेकिन इस बार मैं डबल डबल सील करके भेजूंगी, एंड सो हैप्पी। तो अब साथ में मैं बना रही हूँ चिकन नगेट्स।
ऐसा है कि जो भी मिले सब डाल दो, अगर आपके पास एग है तो एग भी डाल लीजिए, बट मेरे पास एग नहीं है उसका अफसोस है, एग भी चाहिए गाइस। तो जब से माजुली में आए हुए ऐसा लग रहा है धीरे धीरे थोड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, क्योंकि फ्रोजन फूड माजुली में, ओह माय गॉड, ये तो सपना जैसा था। कल को भी गाइस हम लोग आइसक्रीम खाया इतने दिनों के बाद, ना मजा आया ना। सो मैं ये बाउल यूज करने वाली हूँ, दिस इज फ्रॉम नेस्टेशिया, इतना क्यूट है इतना, और मैं आपको दिखाऊंगी ये दूसरा बाउल, ये अरुणाचल का बाउल है, अरुणाचली बाउल है ये, पसीघाट से लिया था, इसका प्राइस तो थोड़ा कॉस्टली रखा था, कितना 500 था क्या सर, ये देखिए ना डिटेलिंग। तो ये रामेन ये सब के लिए अच्छा है, बट अब मैं यूज करूंगी, ये है मेरा स्प्रेड। ऑन सेकेंड थॉट मैंने सोचा क्योंकि ये छोटा है तो ये वाला रामेन या मैगी के लिए ठीक होगा और ये वाला राइस के लिए ठीक होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने राइस पॉट रख दिया है गर्मा गर्म। ये है मेरा पॉट पिकल, मैं इसको हमेशा ऑयल से कवर्ड रखती हूँ सो देट ये खराब ना हो। और मैंने एक चीज नोटिस किया कि इसका जो कलर है वो पूरा रेड हो गया है चिली की वजह से, नो कलर एडेड, कुछ भी कलर ऐड नहीं किया है, अपने आप ही लाल हो गया मिर्च का लाल का वजह से, इतना ज्यादा भी नहीं खाना है ना, पेट खराब हो जाएगा, बट चलो ले लेते हैं थोड़ा सा। आई थिंक दिस इज ओके, इतना तो हो जाएगा। तो ये ले लिया है मैंने पोर्क पिकल, क्योंकि चिकन पिकल खत्म हो गया है तो खाने के लिए नहीं है। ओके, तो पानी उबल गया है, अब यहाँ पे डालने वाली हूँ जो मेरा ग्रीन्स है, इसको हल्का सा ब्लांच बोलते हैं क्या, ब्लांच ऐसा करना है, डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा। नमक भी मैंने डालने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी जितना सारा मिक्स है उसमें नमक तो होगा ही। आई थिंक दैट्स इट फॉर मी गाइस, जैसा आपको टेक्सचर पसंद है ना उसका हिसाब से आप पका लीजिएगा। अंडे कैसे डाले, गोरा गोरा मास है, वाय फट गया होगा लग रहा है। ना बॉईल कर रहा था, फट गया पूरा, फैन फैन हो गया। मैगी भी हो गया है, हाँ, हो गया, हाफ बॉइल्ड एग, देखिए घर में प्याज से ऐसा निकलता है ना ग्रीन ग्रीन, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया, अभी देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया, तो आई एम गोइंग टू यूज़ इट इन माय मैगी। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि ना काफ़ी रहेगा आई थिंक। और ये देखिए मैंने फ्लावर्स लिया है, इतना क्यूट है, अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो इसको लेकिन सन चाहिए इसलिए ऐसा रखा है यहाँ पे, और एक है ये वाला देखिए, ये पूरा पॉट के साथ मुझे 100 रुपीज़ लिया। अभी स्प्रिंग अनियंस मैं साइड पे डालूंगी, ओहो हो माय गॉड, ओ माय गॉड, एग है परफेक्टली फ्राइड एग, गाइस देखिए मेरा जुगाड़ वाला राइस बाउल रेडी है, जो भी सामान घर में था सबको लेकर बनाया। तो ये है गाइस मेरा आज का रेसिपी, जब मुझे
खाना बनाने का मन नहीं होता है तब मैं क्या करती हूँ, बस राइस बनाती हूँ और इन सब चीज़ों से मैं खा लेती हूँ। होपफुली आप भी ऑर्डर करेंगे एंड ट्राई करेंगे ये पिकल्स और ये रेसिपी, ज़रूर चेक कीजिएगा गाइस। एंड चलिए अभी ट्राई करने का समय है, ट्राई करते हैं। बहुत पसंद है गाइस, क्रीमी रनी योक। योक को काटने वाली हूँ। हाय, पिकल मेरे लिए थोड़ा कम हो गया है, मैं थोड़ा और ऐड करने वाली हूँ। हियर यू गो, अभी मैं यहाँ पे मिक्स करने वाली हूँ। No words, guys. Look at this. Yum, yum. मैगी ट्राई करते हैं। कितना मज़ा हो गया गाइस, लंच भी बन गया, खा भी लिया, उसके बाद ही डिलीवरी बॉय आ गया एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि अभी घर से डिलीवरी होगा और आपके घर ही पहुंचेगा। पहले पोस्ट ऑफिस में बहुत तकलीफ हुआ था। मेरा सामान लेने आ गया है गाइस, मेरा ऑर्डर लेने वाला आ गया है, अभी इसका स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग करके ले जाएगा। अय्या, खा लिया, इतना मज़ा आया गाइस। अब हम थोड़ा सा बालकनी में बैठ रहे हैं, थोड़ा स्पाइसीनेस को सुखा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी और पिकल्स बनाती रहूँगी। एंड हाँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर लीजिएगा, तब इंस्टाग्राम पर चेक करिएगा। एंड आई विल सी यू सून, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, I'll see you soon guys, ठीक है, जल्दी मिलेंगे, bye।